जय हिंद दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से मेरी जो ट्रेन है रात को करीब 8:10 पे अहमदनगर पुणे कल्याण के रास्ते दादर सेंट्रल तक जाएगी। अभी चलते हैं साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन के अंदर, देखते हैं इनसाइड का जो है व्यू कैसा रहता है। वैसे यहाँ से जाने का तो मन नहीं कर रहा, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा क्योंकि अपना जो कामकाज जो ठहरा है अहमदाबाद में है। साईनगर शिरडी बहुत ही अच्छा है, साईधाम परिसर भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखने लायक बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमने खास करके सभी एक्सप्लोर की है। कुछ शायद रह गई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो नेक्स्ट टाइम जो आएंगे तो उसे भी कवर कर सकते हैं। साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम, क्योंकि पूरा एसी रूम है। अभी मैं साईनगर शिरडी के वेटिंग हॉल में बैठा हुआ हूँ। आज जो मेरी ट्रेन है साईनगर शिरडी से दादर सेंट्रल तक, उस ट्रेन का नंबर 11:42 जो कि अहमदनगर पुणे
लोनावाला खंडाला कल्याण के रास्ते दादर तक जाएगी। इस ट्रेन के बारे में बताऊं तो इस ट्रेन में ICF श्रेणी के 14 कोच लगने वाले हैं, जिनमें कि थर्ड टायर AC का एक कोच होने वाला है। हाफ सेकंड टायर AC और हाफ थर्ड टायर AC का एक कोच, स्लीपर के 6 कोच, जनरल के 4 कोच, SLR के 2 कोच इस ट्रेन में शामिल होने वाले हैं। अपनी यह जो ट्रेन है साईनगर शिरडी से दादर तक चलने वाली है, जिसको कल्याण लोको शेड का WCAM 3 लोकोमोटिव लेके जाएगा। तो फिर मिलते हैं ट्रेन के डिपार्चर पे। अपनी जो ट्रेन है शिरडी से दादर तक चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन जो कि पुणे के रास्ते चलेगी, वो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है। तो अब हम चलते हैं ट्रेन के अंदर की साइड। अपने ट्रेन का शिरडी से शानदार सा डिपार्चर होते हुए हमारी ट्रेन जो है शिरडी से, अभी हमारी जो ट्रेन है साईनगर शिरडी से रवाना हो चुकी है। तकरीबन 8:10 हुआ है रात में। दादर सुबह तकरीबन 6 या 6:30 बजे के आसपास हमें पहुंचाएगी, जो कि डॉन कॉर्ड लाइन पुणे लोनावाला खंडाला होते हुए दादर तक चलेगी। जो ट्रेन है पुंताबा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुकी है। इस रेलवे स्टेशन पे जो है टेक्निकल होल्ट के कारण अपनी जो है ट्रेन रुकती है। यहाँ से आगे वाला जो रास्ता है वो मनमाड़ की तरफ जाता है, और पीछे का जो रास्ता है इस साइड का जो कि डोंड होते हुए पुणे की ओर जाएगा। अभी अपना जो लोकोमोटिव है वहाँ से रिवर्स होगा, यानी कि आगे की तरफ लाया जाएगा इसे और पुणे की तरफ पुल किया जाएगा। अपना कल्याण लोको शेड का WCAM 2 लोकोमोटिव पीछे से आगे की ओर आता हुआ।
कुंताबा जंक्शन से अपनी ट्रेन डिपार्ट होते हुए लोको रिवर्स करने में यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे। तकरीबन 10 मिनट के डिले के साथ रात को 10:40 पर अहमदनगर जंक्शन पर अपनी ट्रेन अराइवल होते हुए के आउटर पर जैसे ही हमारी ट्रेन एंटर हुई थी तो वहाँ पर बारिश आनी शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि पूरी ट्रेन जो है हमारी भीग चुकी है।
एंड अपने निर्धारित समय रात को 12:40 पे डोंड जंक्शन पे पहुंच चुकी है। डोंड जंक्शन से कोडोवाड़ी वाली लाइन जो है हमसे अलग होने वाली है। डोंड जंक्शन से अपनी ट्रेन का डिपार्चर होते हुए ट्रेन है तकरीबन रात को 2:22 पे पुणे जंक्शन पे अराइव हो चुकी है। पुणे को पुणे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जो लाइन है मिराज की तरफ निकलती है।
Yeah.
ट्रेन कल जब शाम को शिरडी से मुंबई के लिए डिपार्च हुई थी तब भी हमने इस ट्रेन का डिपार्चर का वीडियो बनाया था। शिरडी से दादर सेंट्रल तक जो आई है वो तकरीबन 38 से 40 मिनट देरी से आई है। जो थाने से लेकर दादर तक का जो एरिया था वहाँ पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, जो लोकल ट्रेनें हो गई, इनका स्किप करने का जो तरीका था जो एक्सप्रेस ट्रेन का वो बहुत ही शानदार था। तो ये जो जर्नी जो रही है बहुत ही शानदार जर्नी रही है। वैसे जो लोनावाला सेक्शन जो था, लोनावाला और खंडाला सेक्शन, वहाँ पर शूटिंग नहीं हो पाई क्योंकि वो जो रात का समय था तो अंधेरा ज़्यादा था। पर फिर भी जो मुंबई में आके जो शूटिंग जो हुई है वो अच्छी खासी थी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और नेचर को क्लीन रखें। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।